पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही राज्य में राजनीतिक हिंसा शुरू हो गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान मुर्शिदाबाद जिले में एक स्थानीय कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कांग्रेस का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने यह हत्या की है। ये दहशतगर्द की घटना सिर्फ खड़गम में हुई नहीं, सारे मुर्शिदाबाद और सारे बंगाल में होने जा रहे हैं, हो रहे हैं। ये सोची समझी तरीके से, ये सुनियोजित तरीके से ये हमारे ऊपर हमलावर करते हुए हमारे पार्टी को और साथ साथ विपक्ष लोगों को डराने का कोशिश किए जा रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, क्योंकि वो जानते हैं अगर आम लोग चुनाव में हिस्सा ले तो सारे मुर्शिदाबाद से उनकी सुप्रसव होना तय है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तृणमूल कांग्रेस इस मामले में सभी आरोपों से इनकार करती है। मुर्शिदाबाद में हुई इस हिंसा के बाद अब चुनाव आयुक्त ने नामांकन भरने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने के आदेश दे दिए हैं। राज्य में बांकुड़ा के विष्णुपुर और बर्दवान के कटवा से भी हिंसा की खबरें मिली हैं। यहां टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है कि उन्होंने सीपीएम उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने की कोशिश की। बंगाल के कई जिलों में सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों के बीच हिंसा की खबरें हैं। विपक्ष का आरोप है कि टीएमसी के गुंडे हथियारों के साथ घूम रहे हैं। इस बीच चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे। हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य के चुनाव आयुक्त ने मेरे साथ बैठक की है। पंचायत चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से कराने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएंगे। देखा जाए तो बंगाल में हिंसा अब चुनावी संस्कृति का रूप धारण कर चुकी है। साल 2018 में हुए पंचायत चुनाव के दौरान भी बंगाल हिंसा से रूबरू हुआ था। 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। बंगाल में चुनाव और हिंसा का चोली दामन का साथ है। लेफ्ट के दौर से ही इस परंपरा की शुरुआत हुई और ममता बनर्जी के दौर में भी यह बदस्तूर जारी है। बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद भी कई इलाकों में हिंसा हुई थी। मारे गए लोगों में ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता थे। बीजेपी ने इस हिंसा में अपने 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के मारे जाने की बात कही थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के कहने पर सीबीआई ने हिंसा के मामलों की जांच की। 250 से ज्यादा लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 225 से ज्यादा लोग गिरफ्तार भी किए गए। इस हिंसा में हत्या, हत्या की कोशिश और दुष्कर्म जैसी घटनाएं शामिल थीं। बंगाल में 1977 से 2007 तक 28,000 लोग राजनीतिक हिंसा में मारे गए। देखिए, सेंट्रल फोर्स जरूर आएगी। जो परिस्थिति और स्थिति लग रही है, हमने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी केंद्र सरकार से निवेदन किया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मांग हुई है और बाकी लोग भी मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है 12 तारीख को इसका फैसला होगा। हाईकोर्ट को भी यह संज्ञान में लेना चाहिए कि फ्री एंड फेयर और जो है एक अच्छे वातावरण में अगर हम पंचायत चुनाव पश्चिम बंगाल में कराना चाहते हैं तो सेंट्रल फोर्स एजेंसी क्या होना अति अनिवार्य होगा। बंगाल में होने वाली राजनीतिक हिंसा अक्सर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरती रही है। सवाल ये उठता है कि राज्य में हिंसा की संस्कृति इतनी स्थायी कैसे बनी। दरअसल बंगाल में शुरू से ही ग्रामीण इलाके सत्ता की चाबी रहे हैं। 60 के दशक में नक्सलबाड़ी से शुरू हुए नक्सल आंदोलन ने राजनीतिक हिंसा को एक नया आयाम दिया। यह आंदोलन किसानों के शोषण के विरोध में था। इसके बाद वामदलों ने भूमि सुधार के जरिए ग्रामीण इलाकों में जो पैठ बनाई, उसने लेफ्ट को करीब 34 साल तक सत्ता में बनाए रखा। वामपंथी शासन के दौरान लोगों को आतंकित कर अपने पाले में करने के लिए पश्चिम बंगाल में हिंसा होती रही। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। इसके बाद सीपीएम के साथ हुई वर्चस्व की जंग में हिंसा ने संस्थागत रूप ले लिया। इस दौरान पंचायत चुनाव में जमकर हिंसा हुई। वामदलों को बंगाल से उखाड़ फेंकने की ममता की मुहिम के केंद्र में भी गांव ही थे। बंगाल के पंचायत चुनाव में होने वाली राजनीतिक हिंसा का एक कारण बालू, पत्थर और कोयले के अवैध खनन और कारोबार पर वर्चस्व की जंग भी रहा है। ये सारे कारोबार पंचायतों के माध्यम से नियंत्रित होते हैं, इसलिए पंचायतों पर कब्जे के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत झोंक देती हैं ताकि गांवों में संसाधनों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित कर पाएं। पंचायतों में जीत से राजनीतिक पार्टियों को जमीनी स्तर पर अपने प्रभाव का विस्तार करने में मदद मिलती है।
पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का यह दौर तब तक नहीं थम सकता जब तक हिंसा रोकने की मुहिम में राजनीतिक पार्टियां शामिल न हों। चुनाव आज तक।